एक छोटे से शहर में नीता नाम की लड़की रहती थी। वो दिखने में बड़ी ही सुंदर थी। जहाँ कहीं से वो निकल जाती, लोग उसे देखते ही रह जाते। वो अमीर अमीर लड़कों को फंसा कर उनकी सारी जायदाद धोखे से अपने नाम कर लेती और फिर उसे छोड़ देती। एक दिन की बात है, नीता अपने घर से किसी काम से जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक सुंदर लड़के से होती है। वो लड़का बहुत ही बड़े घर का लग रहा था, उसके पास बहुत महंगी कार थी। नीता उस लड़के को देखकर सोचने लगती है, लगता है ये लड़का बहुत पैसे वाला है, इसे जाल में फंसाना ही होगा। नीता उस लड़के से बातें करने की कोशिश करने लगती है। आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं? मेरा नाम सुनील है और पास ही में मेरा घर है। ओह, आप यहाँ अकेले रहते हो? जी, मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ, मेरा कोई नहीं है। सॉरी, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, वैसे आप कहाँ रहती हो और आपके घर में कौन कौन है? मैं यहाँ से थोड़ी दूर पर रहती हूँ और कुछ दिन पहले ही मेरे पति की मौत हो गई। नीता सुनील को अपने पति की मौत के बारे में बताते हुए रोने लगती है। सुनील नीता को चुप कराने लगता है। सॉरी, मुझे माफ करना, मेरा इरादा आपका दिल दुखाना नहीं था। कोई नहीं, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरी जिंदगी में शायद भगवान ने सुख लिखा ही नहीं। ऐसा क्यों कहती हो, किस्मत बदलते देर नहीं लगती, आपके साथ भगवान जरूर अच्छा करेगा। कुछ अच्छा नहीं करेगा भगवान मेरे साथ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। सुनील नीता की इमोशनल बातों में आ जाता है। नीता, तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, मुझे अपना ही दोस्त समझो। तुम कभी मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे? नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नीता मन ही मन सोचने लगती है, लगता है ये मेरे जाल में पूरी तरह फंस गया। नीता भी मौके का फायदा उठाकर सुनील के आगे रोने का नाटक करने लगती है। मुझे तो लगा था कि मैं हमेशा अकेली ही रह जाऊंगी, मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं मिलेगा, पर अब तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा भी कोई है जिसे मैं अपना कह सकूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज से तुम मुझे अपना ही समझो। जल्दी इसका रुपया पैसा अपने नाम करके मैं अमीर बन जाऊंगी। नीता, अब मैं घर चलता हूँ, रात भी काफी हो चुकी है, कल फिर मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। सुनील और नीता अपने अपने घर चले जाते हैं। बेचारी नीता कितनी परेशान है, भगवान भी ना, किसी किसी के साथ कितना गलत करता है। उधर नीता पूरी रात सुनील के बारे में सोच सोच कर बड़ी खुश हो रही थी। अब वो दिन दूर नहीं जब मैं करोड़पति बन जाऊंगी और खूब ऐश करूंगी। दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते सुबह हो जाती है। नीता आज घर पर ही रहती है, सुनील अपने ऑफिस निकल जाता है। दोपहर के समय सुनील नीता के पास फोन करता है। नीता सुनील का नंबर देखकर फोन उठाती है और धीरे से बोलती है, हेलो सुनील, कैसे हो? नीता, नीता, तुम ठीक तो हो ना, और ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए। तुमने दवाई ली? हाँ ली, पर आराम नहीं आया। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। सुनील अपना काम छोड़कर सीधा नीता के पास पहुँचता है। नीता सुनील को देखकर बीमार होने का नाटक करने लगती है। सुनील नीता की इतनी बीमार हालत देखकर, नीता तुम्हारी तो तबीयत बहुत खराब है। मैं ठीक हूँ, वो थोड़ा बुखार है, ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। परेशान कैसे ना हूँ, तुम अकेली रहती हो और कोई तुम्हारी देखभाल के लिए भी नहीं है, मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम मेरे साथ मेरे घर में रहना। मैं कैसे तुम्हारे घर में? वो मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम्हें मेरे साथ अभी मेरे घर चलना है। नीता मन में तो यही चाहती थी। सुनील नीता को अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसका अच्छे से ध्यान रखने लगता है। उसे जिस चीज की जरूरत होती सुनील वो सब नीता को लाकर देता। इस तरह नीता ने धीरे धीरे सुनील का पूरी तरह विश्वास जीत लिया। फिर एक दिन, नीता क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं कैसे, मैं तो एक विधवा औरत हूँ, फिर तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते हो? वो मुझे नहीं पता, बस तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं। आप किसे पसंद नहीं आओगे? फिर ठीक है, यानी मैं तुम्हें पसंद हूँ, अब तो तुम्हें मुझसे शादी करने में कोई एतराज नहीं। नीता अपने मकसद में कामयाब होते देख मन ही मन खुश होती है। यही तो मैं चाहती थी। फिर सुनील नीता से शादी कर उसे अपनी पत्नी बना लेता है और अपनी पूरी जायदाद नीता के नाम कर देता है। आज से तुम इस घर की मालकिन हो और हर चीज पर तुम्हारा अधिकार होगा। नीता रात होने का इंतजार करने लगती है।
इसे तो मैं रात को बताऊंगी। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है, सुनील सो रहा होता है। नीता चुपके से उठती है और सुनील का मुंह बंद करने लगती है। नीता, नीता, तुम ये क्या कर रही हो? तुम मुझे मार क्यों रही हो? मैंने तो तुमसे पैसों के लिए शादी की थी, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें जो चाहिए था वो सब मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगा। नीता सुनील की एक नहीं सुनती और उसका तकिए से मुंह बंद करके मार डालती है और घर के गार्डन में उसे गाड़ देती है। मरते ही सुनील एक भूत बन जाता है और वो नीता के आसपास रहने लगता है। नीता अपने कमरे में जाकर खूब हंसती है। इसे तो मैंने ठिकाने लगा दिया, अब से ये सारी जायदाद मेरी और मैं इस घर की मालकिन और कल होगा मेरा अगला शिकार। और उसे थोड़ी ही देर में नींद आ जाती है। भूत नीता की बातें सुन रहा होता है। जो तुमने मेरे साथ किया वो मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं करने दूंगा। तुम्हें तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुम जिंदगी पर याद रखोगी। तभी भूत नीता के पास सो जाता है और उसके बालों में हाथ फेरने लगता है, जिसके कारण नीता की आंख खुल जाती है। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई था? लगता है ये शायद मेरा वहम है, यहाँ कौन आ सकता है? नीता फिर सो जाती है। नीता के सोते ही भूत नीता को पूरा खून से सान देता है। सुबह जब नीता सोकर उठती है तो अपने आप को खून से सना देख कर घबरा जाती है। खून? खून? ये खून कहाँ से आया? ये कौन कर सकता है? यहाँ तो कोई है भी नहीं, फिर ये काम किसका हो सकता है? भूत नीता को इस तरह डरा देख कर खुश होता है। नीता का खून की वजह से बुरा हाल था, फिर भी वो हिम्मत करके अपने काम में लग जाती है और शाम को वो अपने अगले शिकार को फंसाने के लिए निकलती है। वो एक बहुत बड़े होटल में पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन से होती है। ओह, माफ करना। कोई बात नहीं, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। नीता बातों बातों में उस बिजनेसमैन आदमी से उसका नाम और काम पूछती है। मेरा नाम सतीश है और मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है। वैसे आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम नीता है। नीता थोड़ी ही देर में उसे अपनी बातों में फंसा लेती है। सतीश नीता को अपने साथ अपने घर चलने के लिए कहता है। नीता, आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। नीता को तो बस इसी बात का इंतजार था, फिर क्या था। नीता सतीश के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। नीता की ये सब हरकतें भूत खड़ा देख रहा होता है। उसे नीता पर बड़ा गुस्सा आता है। तुमने मेरी तो जान ले ली, पर मैं तुम्हें किसी और की जान नहीं लेने दूंगा। सतीश नीता को अपने घर ले आता है और वो नीता से कहता है। नीता, तुम आराम से बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ। सतीश नीता और अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है। तभी नीता चालाकी से उसकी कोल्ड ड्रिंक में जहर डाल देती है। भूत नीता को ये सब करते देख रहा होता है। तुम सतीश का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। भूत अपने जादू से सतीश का गिलास नीता के गिलास से बदल देता है। नीता सतीश को कोल्ड ड्रिंक पिलाती है। सतीश, कोल्ड ड्रिंक पियो ना। हाँ, अभी पीता हूँ, तुम भी तो पियो। सतीश के कोल्ड ड्रिंक पीते ही नीता भी अपना गिलास खत्म कर लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। नीता, तुम हंस क्यों रही हो? आखिर बात क्या है? तुम्हें अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तभी भूत नीता और सतीश के सामने आता है। पता सतीश को नहीं, तुम्हें चलेगा। तुम तो मर गए थे ना, फिर यहाँ कैसे आए यहाँ? तुम कौन हो? आखिर तुम नीता को कैसे जानते हो? भूत फिर सतीश को सब बताता है। यानी ये मुझे भी तुम्हारी तरह मारना चाहती है? हाँ, मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। जो तुमने कोल्ड ड्रिंक पी है मैंने उसमें जहर मिलाया था। ये तुम्हारी गलतफहमी है, जो जहर तुमने सतीश को दिया था वो तुमने खुद पी लिया, सतीश ने नहीं, तुम मरोगी। हाँ, तुम मरोगी। तभी नीता का दम घुटने लगता है। मुझे बचा लो, बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो। तुमने पैसों के लालच में ना जाने कितने लोगों की जानें ले ली, इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तभी नीता की मौत हो जाती है। भूत सतीश को मरने से बचा लेता है। मैं तुम्हारा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरे दोस्त, अब मेरा जाने का समय आ गया है, अब मुझे जाना होगा।
भूत को एक इंसान की जान बचाने की वजह से मुक्ति मिल जाती है और वो चला जाता है।